Hello everyone, very good afternoon to all. Good evening Gurmeet, join me as soon as possible. आज हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक बाय नॉर्मन लॉबे, आपको पता होगा ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये बुक, स्पेशली जो हिस्ट्री ऑप्शनल ऑप्ट करते हैं उनके लिए. ठीक है, तो हिस्ट्री ऑप्शनल और वर्ल्ड हिस्ट्री जनरल स्टडीज एंड जनरल स्टडीज हिस्ट्री मेंस के लिए, ठीक है, स्पेशली वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए. एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, दिस बुक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द समरी ऑफ दिस बुक बाय चैप्टर वाइज, राइट. ये बुक पढ़ने में बहुत ज्यादा हैवी है. बॉबी शर्मा, वेरी गुड इवनिंग. बहुत हैवी है. जिन स्टूडेंट्स ने इस बुक को देखा, मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री बाय नॉर्मन लॉबे, लेकिन इस बुक का जो कंटेंट है दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू एंड इट मीट्स द स्टैंडर्ड्स ऑफ यूपीएससी, राइट. द कंटेंट, द मटीरियल, द लैंग्वेज एग्जैक्टली मीट्स द डिमांड्स और द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूपीएससी. दैट्स व्हाई दिस बुक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं आपको एक सरप्राइज बात ये बताने वाली हूँ. सरप्राइज ये है इस बुक के बारे में, ये बुक इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल है. और इस बुक के पीछे जो है कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चन से ही यूपीएससी ने 2015 का जो है मेंस में क्वेश्चन पूछे थे जनरल स्टडीज में, पेपर फर्स्ट में. ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बुक बहुत ज्यादा रेलेवेंट है. इसे जरूर से जरूर कंसिडर करना चाहिए, राइट. और इस बुक का चैप्टर वाइज में जो है आपके सामने यहाँ पर समरी लेकर आऊंगी. देखो, ये पूरी की पूरी जो बुक है इसके 7 पार्ट्स है, ठीक है, 5th एडिशन, 7 पार्ट्स हैं इस बुक के. और 7 पार्ट्स में से आज हम पार्ट फर्स्ट करेंगे, ठीक है. फर्स्ट पार्ट का चैप्टर फर्स्ट करने जा रहे हैं. और इस फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे यूरोप इन 1914, ठीक है, 1914 में जो यूरोप था वो कैसा था, ठीक है. नेम ऑफ बुक, बुक का नेम है मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है. हिस्ट्री ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल स्टडीज में वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल है सेकंड पेपर के लिए, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जनरल स्टडीज में इंपॉर्टेंट है. तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से दिस बुक इज रियली रियली वेरी रेलिवेंट. ओके, सो वी शुड कंसिडर दिस बुक. हिंदी में अवेलेबल नहीं है, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी जनरल स्टडीज विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है. प्लस सब्सक्रिप्शन के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है. अभी जो है आपको कुछ मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं, आप अन अकेडमी से किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, उसके बाद हम लोग अपना जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट गाइस. सो लेट्स, आप मुझसे जुड़ते चले जाएं, ठीक है. डोंट वेट कम सून ऑन द प्लेटफॉर्म एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बुक, ठीक है. जब आप अन अकेडमी से जुड़ जाएंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेस आपके प्रोग्राम की दी जाएंगी, जहां पर इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, राइट. और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होता है, यानी कि एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग प्री प्लस मेंस, और प्लस में आपको पीडीएफ की फॉर्मेट्स में स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा. और आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए टेस्ट सीरीज आपकी होंगी, क्विजेज होंगी आपके लिए, और एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको अनलिमिटेड एक्सेस यहाँ पर मिल जाएगा. अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करिए, और इस ऐप पर जाकर अगर आप कोई भी कोर्स ओपन करना चाहते हैं तो किरण वन, यानी कि मेरा रेफरल कोड आप अप्लाई करें तो आप फ्री कोर्सेज को ओपन कर सकते हैं. अगर आप प्लस कोर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो भी मेरा रेफरल कोड जो है यहाँ आपको हेल्पफुल करेगा. और ये 100 प्लस टॉप एजुकेटर्स आपके लिए हैं, दे आर द ओशन ऑफ नॉलेज, आप इनका बेनिफिट उठाइए. बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं और ये टीम आपको पढ़ाएगी आपकी प्रिपरेशन में. आप इनके कोर्सेज पढ़ सकते हैं, ठीक है, इनके कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट.
ये आपके लिए बेसिक टू एडवांस कोर्सेज बनाए जाते हैं। देखो बुक्स आपके लिए भी अवेलेबल है मार्केट में, सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन आपके लिए क्या होगा, जैसे एनसीईआरटी की समरी है, एनसीईआरटी की बुक 6 to 12th है ना, बहुत ज्यादा हैवी काम हो जाता है, तो वो पढ़ पढ़ के आपको कई बार तो ये पता चलता है कि ये नहीं पढ़ना चाहिए। तो बेसिकली आपके लिए क्या है, एक टाइम सेविंग, एक टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में जो है समरी यहाँ पर मिल जाएगी। और अभी जो एनसीईआरटी की समरी के लिए प्लस पे कोर्स भी आया है 11 जनवरी से, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सारे आपको देखिए साइंस टेक्नोलॉजी ऑप्शनल कोर्सेज, इंडियन इकोनॉमी, ये सारे कोर्सेज आपको कराए जाएंगे, राइट। एंड प्लस एंड आइकॉनिक ये जनरल स्टडीज के लिए हैं, जो कि प्री प्लस मेंस के लिए होते हैं, राइट। स्ट्रेटजी एंड प्रॉपर गाइडेंस इज वेरी नेसेसरी टू क्रैक द सिविल सर्विसेज एग्जाम, एंड द प्लस कोर्स इज अवेलेबल फ्रॉम 1 month to 3 years, एंड यू कैन गो थ्रू EMIs आल्सो, राइट। आपको वन गो में पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 साल के लिए जाइए, रेफरल कोड मेरा आप अप्लाई करिए, यू विल गेट 10% ऑफ हेयर, राइट। तो सारा का सारा मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एक दूसरा सेगमेंट है जनरल स्टडीज के लिए, जो कि IAS फोकस्ड है, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए। यहाँ पर आपको एक पर्सनल कोच प्रोवाइडेड होंगे, ठीक है, जो आपकी स्टडी प्लान करेंगे, आपको पर्सनल फीडबैक देंगे, कितनी तैयारी हुई, कितनी नहीं हुई, कितनी और ज्यादा करने की जरूरत है, ये आपका जो है एक तरीके से गाइड के तौर पर रहेंगे, आपके पर्सनल कोच के तौर पर, राइट। तो ये कोर्स भी आप ईएमआई के थ्रू ऑप्ट कर सकते हैं, रेफरल कोड से 10%, 1 ईयर का अगर आप ईएमआई ऑप्ट करते हैं, यू नीड नॉट टू पे एनी इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर टू यू? नेक्स्ट है आपका ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन कैसे करेंगे, जो कि 1 महीने से 3 साल के लिए अवेलेबल है, और 1 साल का फी होगा आपका 27,500, लेकिन आप मेरा रेफरल कोड अप्लाई करेंगे किरण वन, तो आपको 10% ऑफ हो जाएगा, और आपको 24,750 रुपए ही पे करने पड़ेंगे 2 साल के लिए जाइए, ये और भी ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, राइट गाइस। और न्यू बैचेस आ रहे हैं 2021, 22 और 23 के एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि 11 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए 11 जनवरी से आपके लिए कौन से बैचेस आ रहे हैं, ये प्रीलिम्स के लिए हैं, राइट। मिशन बैच जो होता है वो बायलिंगुअल होता है, लक्ष्य जो होता है वो हिंदी के लिए होता है, और एक्सपीडिशन बैच इज इंग्लिश मीडियम बैच, राइट। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, वैसे अगर आपने जनरल स्टडीज के लिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिया है, तो सारे कोर्सेज आपके जो है आपको यहाँ पर एक्सेस रहेगी। इज दैट क्लियर टू यू? राइट, 11 जनवरी से, और जो है फिर ये आपका जो है 2022 के लिए, ठीक है, ये 2021 के लिए है, ये 2022 के लिए है, प्रीलिम्स स्पेशल बैच आपके लिए है। फिर 11 जनवरी से ये जनरल स्टडीज 2 ईयर, कंप्लीट 2 ईयर जनरल स्टडीज बैच फॉर यूपीएससी, ये 2023 के लिए है, राइट। 2021 के लिए हो गया, 22 के लिए हो गया, ये 2023 के लिए जो है आपके बैच हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये बेसिक से स्टार्ट है आपका, ठीक है, ये जनरल स्टडीज के लिए है, और ये एनसीईआरटीज का बैच है आपके लिए, जिसमें आपको एनसीईआरटीज पढ़ाई जाएंगे, ठीक है, 6 to 12th, राइट। कैसे उनको पढ़ना है, कैसे समझना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, राइट। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये आपके लिए कॉम्बो है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऑप्शनल प्लस जो है आप प्लस का कोर्स लेंगे तो यू हैव टू पे आइकॉनिक के साथ। अगर आप जीएस ले रहे हैं तो आपको 88705, ठीक है, और कोड अप्लाई करेंगे तो आपको जो है 10% ऑफ हो जाएगा, और ये आपका प्लस, ठीक है। इज दैट क्लियर टू यू? राइट, सो लेट्स बिगिन। नेक्स्ट, ये आइकॉनिक प्राइस, जिसमें आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, और मेंस की टेस्ट सीरीज होती है इवेल्युएशन के साथ, जो आपकी स्टडी प्लान करते हैं, आपको आपके बूस्टर स्टडी बूस्टर सेशंस होते हैं, हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप्स होते हैं, आंसर राइटिंग डेली होता है, जो आपका डेली का कंटेंट होता है उसका जो है यहाँ पर सर्वे होता है, राइट, ठीक है। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आप ये भी तो देखिए ना, ठीक है, आप कहाँ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उसके लिए जो है एक फैकल्टी को कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, ठीक है। आप यूपीएससी के लिए कहीं भी जाएंगे तो यू हैव टू पे बॉबी शर्मा, राइट, ठीक है। ये तो 50% भी फी नहीं है, जब हमने कोचिंग करी थी तो हमने तो इसका डबल ट्रिपल अमाउंट पे किया था, ठीक है। तो आईएएस का
बिना कोचिंग के तो काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है बाकी, ठीक है, क्योंकि राइट गाइडेंस और स्ट्रेटजी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मन से सेल्फ स्टडी में लगे हुए हैं, लेकिन उससे भी हमारा जो है कई बार काम नहीं बनता है, ठीक है। इसीलिए ईएमआई ऑप्शन भी आपके लिए रखा है, ठीक है, आप ईएमआई ऑप्शन के थ्रू भी जो है यहाँ पर आ सकते हैं। सो लेट स्टार्ट अवर समरी ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री बाय नॉर्मन लॉवे, एक बुक है, इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, इसकी समरी पढ़ते हैं। इसका सबसे पहला पार्ट है पार्ट वन, वॉर एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, फर्स्ट। वैसे टोटल जो है इसके काफी सारे पार्ट्स हैं, एक एक करके सारे पार्ट्स हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है वॉर एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसका फर्स्ट चैप्टर आज हम करने जा रहे हैं, द वॉर द वर्ल्ड इन 1914 एंड द आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो वो हम कल करेंगे, राइट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम कल करेंगे, क्योंकि बुक बहुत हैवी है। एंड थोड़ा सा ट्राई करिएगा, दिस बुक इज वेरी लेंथी एंड वेरी एग्जॉस्टिव, राइट, बहुत एग्जॉस्टिव बुक है। थोड़ा सा कोशिश करिएगा अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने का। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा इजी आपके लिए चीजों को बनाऊं। एकदम से आपको जो है ये बुक इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी, लेकिन कोशिश करेगा आप धीरे धीरे, बिकॉज आई एम हेयर टू मेक दिस बुक अंडरस्टैंडेबल टू यू, ओके। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये बुक मैं आपके लिए इजी कर दूं, आप इस बुक से भागे ना, ठीक है। तो ये बुक हम बहुत आराम से करेंगे। तो देखिए, मॉडर्न जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, राइट, ये बुक स्टार्ट होती है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 18 तक। ये सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये बुक कैसे शुरू होगी, भी वर्ल्ड में, वर्ल्ड 1914 में कैसा था, यूरोप कैसा था, अफ्रीका कैसा था, एशिया कैसा था, ठीक है, कहाँ पर कौन सी पॉलिसीज बनती थी। तो हम 1914 के वर्ल्ड में जाएंगे, जैसे आज हम 2020 के कोरोना वर्ल्ड में हैं, राइट। जैसे कभी आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे होंगे तो वो याद करा करेंगे कि जैसे आज हम पढ़ते हैं कि एक 1914 था और एक 1939 था जब सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुए थे, तो उसी तरीके से, ठीक है। तो हम आज 2021 से जो है 1914 की एज में जा रहे हैं, उस टाइम पे वर्ल्ड क्या था। जैसे आज के टाइम पे वर्ल्ड है कि पूरा ग्लोबल लेवल पर कोरोना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, स्टूडेंट्स आर जो है ऑनलाइन पढ़ने के लिए मजबूर हैं, उनको ऑफलाइन में जाने का मन करता है, स्कूल कॉलेज का वेट कर रहे हैं, लॉकडाउन है ना। तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती हैं। तो हम चलते हैं 1914 के वर्ल्ड में, देखते हैं कैसा था 1914 का वर्ल्ड, और जो है यूरोप स्पेशली कैसा था, वो क्या सिचुएशंस थी जिसने वर्ल्ड वार करवा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो सिचुएशन को ही जानेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा वर्ल्ड वार कैसे हुआ, ठीक है। तो ये देखिए आप चैप्टर फर्स्ट, वॉर एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, द वर्ल्ड इन 1914, आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये पूरा का पूरा चैप्टर्स कैसे दिया है, प्रोलॉग यानी कि उसकी प्रस्तावना है, उसको आपको इतना ज्यादा अंडरस्टैंड करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक है आज का वो है द वर्ल्ड इन 1914, एंड आफ्टर दैट वी विल कवर इवेंट्स लीडिंग अप टू आउटब्रेक ऑफ वॉर, और व्हाट कॉज्ड द वॉर एंड हु वाज टू ब्लेम, ठीक है। इसी बुक के लास्ट में फर्दर रीडिंग्स और क्वेश्चंस, जो ये क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं ना बच्चे, मैं आपको बहुत गारंटी से ये बोल रही हूँ, इसी बुक से 2015, नॉट 2015, वर्ल्ड हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट, जितने भी वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन अब तक आए हैं जनरल स्टडीज यूपीएससी में, चाहे वो मेंस हो या आपका ऑप्शनल पेपर हो, ठीक है, इसी बुक से आते हैं। ये बुक बहुत रेलिवेंट है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये भी करेंगे हम लोग, आज हम पढ़ेंगे 1914 का वर्ल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये बुक का सेगमेंट रहेगा और इसी तरीके से हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे,
राइट, तो चलते हैं, एंट्री कर ली है हमने 1914 के वर्ल्ड में। तो सबसे पहले हम चलेंगे, वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट है, तो यूरोप उनमें से एक कॉन्टिनेंट है। जैसे अफ्रीका हुआ, अफ्रीका के बाद हमारा एशिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स है, राइट। अब यहाँ पर हम बेसिकली यूरोप की बात करेंगे, ठीक है। देखो, वर्ल्ड वॉर्स दो हुए, फर्स्ट और सेकेंड, दोनों के दोनों कहाँ हुए? यूरोप में हुए, और यूरोपियन कंट्रीज की वजह से हुए, ठीक है। लेकिन यूरोप में हुई इवेंट्स, तो हम 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, हम उसे यूरोपियन वॉर क्यों नहीं कहते? क्योंकि यूरोप में ही हुआ था। तो व्हाई वी आर नॉट कॉलिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ग्लोबल वॉर एज यूरोपियन? क्योंकि हुआ तो यूरोप में था ना, तो व्हाई वी आर कॉलिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्यों कहते हैं हम इसको? क्यों? बिकॉज ये वॉर यूरोप में हुए जरूर है, सिचुएशन सारी यूरोपियंस थी, बट द इम्पैक्ट और द कॉन्सिक्वेंसेज और द कॉजेज वर ग्लोबल। जिन चीजों जो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चारों तरफ जो चीजें घूमती है ना, जो कारण बनी थी, जो रीजंस बनी थी, जो कॉन्सिक्वेंसेस बने थे, दे ऑल वर डिसाइडेड बाय द यूरोपियंस, ठीक है। तो यूरोप 1914 में कैसा हुआ करता था, मतलब बहुत ही इगोइस्टिक, कितना घमंडी यूरोप था 1914 का, और स्पेशली जर्मनी, जर्मनी इतना इगोइस्टिक कंट्री था। मैं आपको यहाँ पर सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी किस तरीके से जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वार करवा दिया, सेकेंड वर्ल्ड वार करा दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। यूपीएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई जर्मनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोथ वर्ल्ड वॉर्स, क्यों है वो रिस्पॉन्सिबल। तो अभी देखना ना, हर मामले में टांग अड़ेगी यहाँ पर जर्मनी की, तो जर्मनी यहाँ पर किस तरीके से जो है रीजन बनेगा, राइट। तो स्टार्ट करो भाई यूरोप को जो है 1914 में। तो 1914 का जो यूरोप था, दैट वाज डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग कैसे है, ठीक है, डोमिनेटिंग यानी कि पावर जो थी, मोस्टली पावर्स जो थी वो किसके हाथ में थी? यूरोपियन कंट्रीज के। तो कुछ ऐसे यूरोपियन कंट्रीज थे, उनकी ही कैपिटल्स में वो डिसीजन लिए जाते थे जो पूरे वर्ल्ड को जो है डिसाइड करते थे कि कहाँ पर क्या होगा। एशिया में, इंडिया में क्या होगा, अफ्रीका में क्या होगा, चाइना में क्या होगा, रशिया में, जापान में, साउथ एशियन कंट्रीज जो है वहां पर क्या होगा, राइट। इन सभी कंट्रीज के फ्यूचर कहाँ पर शेप होते थे? यूरोप की कैपिटल्स में। तो उस टाइम का यूरोप जो है ना, वो बहुत ही डोमिनेटिंग था, एंड स्पेशली जर्मनी। जैसे जितनी भी इंपीरियलिस्टिक पावर्स हुई है, वो सब कौन थी? यूरोपियंस थी। तो वो उन देशों की कैपिटल्स में डिसीजंस होते थे। इंडिया का डिसीजन, इंडिया का फेट, इंडिया का भविष्य 1947 तक कहाँ डिसाइड हुआ? यूरोप ने डिसाइड किया, यूरोप में ही तो हुआ, ब्रिटिश के ही तो अगेंस्ट थे हम, सेम। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर बेसिकली थी। तो जर्मनी से स्टार्ट करते हैं, राइट। जर्मनी वाज अ लीडिंग पावर, ठीक है। तो डोमिनेटिंग कैसा था, कौन से कंट्रीज डोमिनेटिंग थे? जर्मनी वाज द लीडिंग पावर इन यूरोप, बोथ मिलिट्रीली एंड इकोनॉमिकली, ठीक है। तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जर्मनी जो है एक बहुत ही बड़ी पावर उस टाइम पे हुआ करता था। शी वर्ड जो यहाँ पर यूज हुआ है, दैट इज यूज्ड टू डिनोट मदरलैंड, ठीक है। शी का मतलब यहाँ पर कोई फीमेल या जेंडर को शो नहीं कर रहा है ना। शी वर्ड जो है, बहुत अच्छी जो बुक्स होती हैं वहां पर शी वर्ड इज यूज टू डिनोट द मदरलैंड, ठीक है, जो मातृभूमि होती है। तो जर्मनी के लिए यहाँ पर शी वर्ड यूज किया जा रहा है, राइट। तो जर्मनी यहाँ पर एक मिलिट्री और इकोनॉमिकली पावर है, राइट। एंड शी हैड ओवरटेकन ब्रिटेन इन द प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन एंड स्टील, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज थे ये, राइट। और इसने ब्रिटेन को ओवरटेक कर दिया था किसके प्रोडक्शन में? पिग आयरन और स्टील के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये दोनों ही चीजें किसके लिए यूज की जाती थी? मिलिट्री के लिए। मिलिट्री में पिग आयरन और स्टील का कैसे यूज होता था? शिप बनाने के लिए नेवल पावर बहुत जबरदस्त बनती थी, गन्स बनते थे, वेपन्स बनते थे, ठीक है, और जो भी व्हीकल्स वगैरह थे, तो सारे के सारे जर्मनी में, क्योंकि पिग आयरन और स्टील के प्रोडक्शन में ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया था। कैसे? क्योंकि जर्मनी में बहुत सारे रिजर्व्स थे। तो इसने क्या किया, इस तरीके के प्रोडक्शन, तो इकोनॉमिकली बहुत एडवांस हो गया, राइट, क्योंकि
यहाँ पर शिप्स बनने लगे, यहाँ पर गन्स बनने लगे, यहाँ पर वेपन्स बनने लगे, तो किसी को भी उठा के जर्मनी धमकी दे देता था कि आओ मेरे सामने, राइट। तो यहाँ पर जर्मनी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से और जो है ईगो आने के लिए ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद रशिया की बारी आती है। रशियन इंडस्ट्री वॉज एक्सपेंडिंग रैपिडली। अब रशिया में भी इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त तरीके से फैल रही थी। इन 1914 द यूएसए प्रोड्यूस्ड मोर कोल। अब यूएसए में भी 1914 में क्या हो रहा था, कोल प्रोड्यूस हो रहा था, पिग आयरन, स्टील, राइट, देन आइदर जर्मनी और ब्रिटेन एंड नाउ रैंक्ड एज अ वर्ल्ड पावर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो एक बड़ी वर्ल्ड पावर के रूप में उभरते हैं, कैसे पूरी दुनिया को अपनी पावर के लिए जो है पावर पाने के लिए पूरी दुनिया को कैसे अपने इशारों पर नचाया था इन यूरोपियंस पावर ने, राइट। तो जर्मनी का हो गया, यहाँ पे रशिया का हो गया, यूएसए हो गया, जापान टू हैड, जापान की भी बात कर लेते, जापान टू हैड मॉडर्नाइज रैपिडली। जापान भी धीरे धीरे मॉडर्न हो रहा था एंड वाज अ पावर टू बी रेकन्ड विद आफ्टर हर डिफीट ऑफ रशिया। देखो जापान जो कि एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है, जापान एक एशियन कंट्रीज है, छोटा सा देश है, मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जापान की जो है आज कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का बादशाह जापान, एक छोटा सा आइलैंड कंट्री रशिया जैसे बड़े लेवियाथान को हरा देता है 1905 में। रशिया और जापान का एक वॉर होता है और जापान जब इतने बड़े देश को, उस टाइम पे आप देखिए रशिया यूएसएसआर हुआ करता था, यानी कि 1991 तक, ठीक है, 1991 तक रशिया क्या था, यूएसएसआर था, ठीक है। और इसमें बहुत सारे कंट्रीज थे, बहुत बड़ा जो आज का रशिया उससे भी डबल हुआ करता था उस टाइम पे, ठीक है। तो एक इतने बड़े एरिया को हराना जापान जैसे देश के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो यहां से जापान एक ग्लोबल लेवल पर उभरा, उसकी इमेज उभरी, जापान की पावर को रिकॉग्नाइज किया, जापान को माना कि यस जापान यू आर समथिंग, और इसने रशिया की जो इमेज थी वो धूमिल हुई थी, राइट। तो यहां पर जापान भी एक डोमिनेटिंग पावर के रूप में उभरता है यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, ठीक है। तो डोमिनेटिंग होते थे क्योंकि मोस्टली जो ग्लोबल शेपिंग डिसीजंस होते थे, जो पूरी दुनिया को शेप करते थे, वो डिसीजंस जो है वो यूरोप की कैपिटल्स में लिए जाते थे। बहुत सारे रिजर्व्स थे इनके पास, इकोनॉमिकली, मिलिट्री, ठीक है, एक आर्म्स रेस बेसिकली इनके पास हुआ करती थी, ठीक है, आर्म्स रेस बहुत जबरदस्त यहाँ पर थी, राइट। वो सेकेंड वर्ल्ड वार की बात है, ठीक है, वो सेकेंड वर्ल्ड वार की बात है जब जापान पर यूएसए ने बॉम्ब गिराए थे, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, 1914 का वर्ल्ड पढ़ रहे हैं, 1914 में क्या क्या सिचुएशंस थी 1914 के वर्ल्ड में गए हुए, राइट। तो यहाँ पर देखो पॉलिटिकल सिस्टम, पहली चीज क्या हुई, डोमिनेटिंग था मिलिट्रीली भी और इकोनॉमिकली भी, है ना। तो ये चीज हमारी कवर हो चुकी है, पहला पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया है। और दूसरा पॉइंट अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, द पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ दीज वर्ल्ड पावर्स। तो जो अपने आप को विश्व शक्ति समझते थे, इकोनॉमिकली वर्ल्ड पावर समझते थे, जैसे यूएसए, ब्रिटेन एंड फ्रांस, इनके पॉलिटिकल सिस्टम कैसे थे, बिकॉज पॉलिटिकल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन एक्सरसाइजिंग देयर पावर। सपोज कि कोई देश डेमोक्रेटिक है, राइट, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वो पब्लिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अकाउंटेबल होगा, ठीक है। और एक किसी देश में मोनार्की है या किसी भी कंट्री में ऑथोरिटेटिव सिस्टम है, तानाशाही है, ठीक है, तो वो तो अपने मन से किसी पर भी गुस्सा आया, मिलिट्री करी तैनात, उड़वा दिया, ठीक है। तो पॉलिटिकल सिस्टम भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल थे 1914 के जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को कराने में। तो यहाँ पर देखिए, यूएसए, ब्रिटेन एंड फ्रांस हैड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो कहने को तो लोकतांत्रिक सरकारें थी, सम सिस्टम्स वर नॉट एज डेमोक्रेटिक एज दे सीम्ड। अब ब्रिटेन जिसने इंडिया को अपने अंडर डोमिनेशन किया हुआ था, क्या हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री था? अगर वो डेमोक्रेटिक था तो हम मांग मांग के थक गए थे कि हमें आजादी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमें बनाना है, तो व्हाई दे वर नॉट गिविंग अस, राइट। तो इन व्हाट सेंस दे वर
इन टर्म्स डेमोक्रेटिक बट दे एक्चुअली वर नॉट डेमोक्रेटिक कंट्री. ओके, तो कहने को इनके डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हुआ करते थे बट एक्चुअली दे वर नॉट एज डेमोक्रेटिक. राइट, तो ये हुआ यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस का, क्योंकि यही तो वर्ल्ड पावर्स थी और इन पॉलिटिकल सिस्टम ने ही आगे चलकर इनको इतना इगोइस्टिक और सत्ता के मद में इतने अंधे हो गए थे तो इन्होंने वर्ल्ड वार करा दिया. जर्मनी हैड एन इलेक्टेड लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, रिचस्टैग कहते हैं. जर्मनी का जो पार्लियामेंट है उसे रिचस्टैग कहते हैं. हालांकि कहने को वहां पे एक पार्लियामेंट है, इलेक्टेड है, बट रियल पावर ले विद द चांसलर. ठीक है, चांसलर कौन, जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री मतलब इज शॉर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एंड द कैजर एम्परर जो हुआ करते थे वहां पर. ठीक है, कैजर एम्परर का नाम, ठीक है, एम्परर वहां के बादशाह सम्राट जो होते थे, तो इनके हाथ में पावर थी. तो यहाँ पर इलेक्टेड रहो तो रहो भाई, जब पावर इनके हाथ में है, पावर इनके हाथ में है इसका मतलब जनता के प्रतिनिधियों में कोई हाथ नहीं है. ये लोग क्या करते थे, ये लोग तानाशाह थे, अपनी मर्जी से पावर का इस्तेमाल करते थे विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी. तानाशाही क्या होती है, अथॉरिटेटिव पावर क्या होती है, व्हेन यू आर यूजिंग पावर विदाउट एनी सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. जब आप बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के, बिना किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी के, यू आर जस्ट यूजिंग पावर अगेंस्ट anything, आप सिर्फ अपने ईगो को, अपने इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, if you are using the excess of power and power and power, okay, and you are not bothering about the sufferings and the grievances of the people, है ना, लोग कितनी सफरिंग से गुजर, you are paying no attention towards that things, right? So इस तरीके की चीजें यहाँ पर जर्मनी में थी. एंड इटली वॉज अ मोनार्की. अब इटली में क्या था, इटली देख लो, इटली भी एक यूरोपियन कंट्री था, इटली में भी राजतंत्र था विद एन इलेक्टेड पार्लियामेंट. कहने को अब मैं बता रही हूँ ना कि डेमोक्रेटिक जो है सिस्टम, देखने में तो डेमोक्रेटिक है, इलेक्टेड पार्लियामेंट है, अगर इलेक्टेड पार्लियामेंट है तो भाई डेमोक्रेसी है, राइट. और यहाँ पर होता क्या था, बट द फ्रेंचाइज वाज, यानी फ्रेंचाइज का मतलब राइट टू वोट, कौन वोट डाल सकता है और कौन नहीं, वाज लिमिटेड टू वेल्दी पीपल, अमीर लोगों के लिए ही था. तो भाई डेमोक्रेसी कहाँ हुई, जब आप वोट का राइट ही सबको नहीं दे रहे थे, कैसी जो है यहाँ पर डेमोक्रेसी हुई. तो इस तरीके का सिस्टम इटली में था, इटली ने इस चीज का बहुत बड़ा प्राइस पे किया था. ठीक है, जापान हैड एन इलेक्टेड लोअर हाउस. जापान का भी एक इलेक्टेड लोअर हाउस था. लोअर हाउस का मतलब होता है जो पावर गवर्नमेंट बनाता है, जो जैसे लोकसभा हमारे देश में एक लोअर हाउस है, तो हर कंट्रीज में लोअर हाउस होता है, अपर हाउस होता है. ठीक है, आर यू understanding my viewpoint, okay? So, but here too has the franchise was restricted. तो लेकिन यहाँ पर भी right to vote जो था ना वो restricted था, limited था. Limited का मतलब होता है franchise was limited, restricted. यानी कि कुछ sections तक ही, जैसे universal होता है ना, universal adult franchise या universal suffrage होता है जिसमें, है ना, सार्वभौमिक मताधिकार, है ना, एक एज डिसाइड कर दी जाती है, जैसे 18 या 21 या 25, व्हाटएवर यू वांट, राइट. तो भाई इस एज के जो बंदे हैं वो अपना वोट दे सकते हैं. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वोट करिए, है ना, यहाँ पर वोट करिए, वहां पर वोट करिए. तो सेम जापान का और इटली का सेम सिचुएशन था, राइट. एंड द एम्परर एंड द प्रिवी काउंसिल हेल्ड मोस्ट ऑफ द पावर. तो ये प्रीवी काउंसिल हुआ करते थे और एम्परर हुआ करते थे, ये यहाँ के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम है. अब आप ये पूछोगे, मैम प्रीवी काउंसिल क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ कैबिनेट होता है, यहाँ पर प्रीवी काउंसिल होता है. ठीक है, तो हर देश में उनके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग नाम होते हैं. जो एम्परर, यहाँ पर एम्परर है, हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट है, राइट. तो पॉलिटिकल सिस्टम जो इन वर्ल्ड पावर्स के थे वो दिखने में डेमोक्रेटिक थे, लेकिन एक्चुअली क्या थे, वो तानाशाह थे, अथॉरिटेटिव थे. अब जब कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई लगाम इनकी पावर्स पर नहीं थी तो वर्ल्ड वॉर ही होना था. ठीक है, तो ये पॉलिटिकल सिस्टम भी 1914 के बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है फॉर द आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट. ये मटेरियल जो है नॉर्मन लॉवे की बुक में मेंशन किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी बहुत फेवरेट बुक है ये. मैंने बहुत डेप्थ में जाके इस बुक को पढ़ा है, एक एक वर्ड को पढ़ा है, कई कई बार पढ़ा है. ठीक है, तो इसीलिए मैं इतना इजीली आपको ये सारी चीजें अवेलेबल करा रही हूँ. तो पॉलिटिकल सिस्टम्स हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोप के 1914 में कैसे हुआ करते थे. ठीक है, उसके बाद चलते हैं रशिया, ऑस्ट्रिया हंगरी में चलते हैं. ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट थी रशिया
एंड ऑस्ट्रिया हंगरी, हम इस टाइम यूरोप की बात कर रहे हैं, ठीक है, या जो भी वर्ल्ड पावर्स है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द डेमोक्रेसी ऑफ द वेस्ट, ठीक है. तो इन देशों की जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिल्कुल अलग थी. द जार एम्परर ऑफ रशिया, आपको पता है जार हुआ करते थे रशिया में, जार मतलब जो बादशाह होता उसका नाम क्या था, जार था, ठीक है. तो ये जार हुआ करता था एंड द एम्परर ऑफ ऑस्ट्रिया हु वाज आल्सो किंग ऑफ हंगरी वर ऑटोक्रेटिक और एब्सोल्यूट रूलर्स, ठीक है. ये निरंकुश शासक हुआ करते थे. यही तो वो निरंकुश शासन व्यवस्था थी रशिया में जिसकी वजह से 1917 में रशियन रिवोल्यूशन हुई थी, बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स ने की थी, ठीक है. तो यही तो वजह थी, इसी ऑटोक्रेटिक सिस्टम की वजह तो थी, तभी तो ये सोशलिस्ट कंट्री बना था 1917 में. तो रशियन रिवॉल्यूशन को भी हम लोग पढ़ेंगे, 1917 की रशियन रिवॉल्यूशन के पीछे ये जो जार है ना, इसकी एक्सप्लॉयटेटिव और एनोइंग पॉलिसीज थी. जैसे फ्रांस, मैंने आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ाया है, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, ठीक है. तो वो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला सारा केस हुआ था, सेम यहां पर भी हुआ था, राइट. This means that although parliaments existed, तो इसका सारा सिचुएशन, सारा अगर कंक्लूजन हम निकाले तो क्या कंक्लूजन निकलता है कि कहने को डेमोक्रेटिक बट उनका एक्चुअल फेस क्या था, एब्सोल्यूट रूलर्स. एब्सोल्यूट मीन्स यू आर हैविंग एक्सेस पावर, आपके पास बहुत सारी पावर, बहुत सारी सत्ता है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है. यानी कि एनोइंग द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं अगर वो पब्लिक के इंटरेस्ट में है, पब्लिक ऐसा चाहती है, पब्लिक का वेलफेयर होता है, पब्लिक की शिकायतों का निवारण होता है, उनकी सफरिंग्स दूर होती है, उनका कल्याण होता है, तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट माना जाता है, क्योंकि हर वो चीज डेमोक्रेटिक होती है जिसमें जनता का कंट्रीब्यूशन होता है, राइट. तो यहां पर देखिए, ये पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड पावर्स आर वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो ये चीज आप मेंस में भी लिख सकते हैं, ठीक है. तो पार्लियामेंट्स थी एंड दे कुड ओनली एडवाइज द रूलर्स, लेकिन ये क्या थी, केवल रूलर्स को एडवाइस दे सकती थी. अब रूलर उनकी एडवाइस को कैसे लेते हैं, कैसे मानते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है, ठीक है. अगर रूलर्स, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट थी इनके पास रूलर को हटाने का कोई अधिकार नहीं था कि रूलर हमारी बात नहीं मान रहा है, एम्परर हमारी बात नहीं मान रहा है, या कैजर हमारी बात नहीं मान रहा है, कोई जार हमारी बात नहीं मान रहा है, चलो पास करो नो कॉन्फिडेंस मोशन और हटाओ इसको, ठीक है. ऐसा नहीं होता था. जैसे आज हमारे कैबिनेट में अगर कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है गवर्नमेंट में, तो लोकसभा जो कि हमारी पार्लियामेंट का हाउस है, लोअर हाउस है, तो लोकसभा में हम मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अविश्वास का प्रस्ताव पास कर देंगे, ठीक है. क्योंकि लोकसभा में कौन है, जनता के प्रतिनिधि है, इसका मतलब गवर्नमेंट कुड नॉट बिहेव अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट, ठीक है. तो हमें हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही वहां पर बिहेवियर करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पर क्या था, पार्लियामेंट सिर्फ एक एडवाइजर बॉडी थी, एडवाइजरी बॉडी, ठीक है, सिर्फ एडवाइज कर सकती थी एंड नथिंग टू डू. एंड इफ दे फेल्ट लाइक इट द रूलर्स कुड इग्नोर द पार्लियामेंट भी. रूलर्स जो थे, राजा जो थे, ऑटोक्रेटिक थे, एब्सोल्यूट थे, दे कैन इग्नोर द पार्लियामेंट्स एडवाइस. ऑब्वियसली कर दो एडवाइस एंड डू एग्जैक्टली एज दे विश्ड, और अपनी विश के अकॉर्डिंग करिए जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है. आपको अच्छा लगता है कि हम उस देश पर अटैक करें तो कर दो, सिविलियंस मर रहे हैं तो मरने दो, तुम तो सेफ हो. अगर तुम्हारा मन करता है कि किसी देश के रिसोर्सेस को अपने देश में ले आओ तो ले आओ, क्या होता है उस देश के? मतलब यू आर जस्ट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू योर विश, यू आर यूजिंग एक्सरसाइजिंग पावर्स जस्ट टू सेटिस्फाई योर पर्सनल एपेटाइट्स, राइट. सो इन दिस वे दीज गवर्नमेंट्स पॉलिटिकल सिस्टम्स आर मोस्टली टू अ लार्ज एक्सटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इज दैट क्लियर टू यू? समझ में आ रहा है किसको किसको समझ में आ रहा है? अब डेली क्लास होगी बच्चे यहाँ पर, ठीक है. अब यहाँ पर डेली क्लास होगी हमारी. जेनी को तो समझ में आ रहा है, चलो जेनी. चलिए, ठीक है ठीक है,
चलिए, इम्पीरियल एक्सपेंशन आफ्टर 1880, 1880 के बाद जो था वो साम्राज्यवादी एक्सपेंशन होता है, यानी कि जो यूरोपियन पावर्स थी ये क्या शुरू करती है, इंपीरियलिस्ट एक्सपेंशन शुरू करती हैं 1880 के बाद। आपस में दौड़ होती है ना कि कौन सबसे ज्यादा। नहीं होगा अब 10:30 बजे वाले सेशन मैंने बंद कर दिए, ठीक है। अब से हमारी क्लास होगी 11:30 बजे, दो टाइमिंग रहेंगी, ठीक है। एक टाइमिंग रहेगी 11:30 AM डेली जो आज हुई थी, और आपकी एक टाइमिंग रहेगी 5 PM, ठीक है। जिस दिन हमारा मैराथन सेशन होगा, ठीक है। यस, ये पूरी बुक, यस रिंकू, पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करेंगे, ठीक है, और वो भी नॉर्मन लॉवे की बुक से, ठीक है। तो आप इस बुक से अगर अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री तैयार करेंगे तो यू विल गेट एन एज कंपैरेटिव टू अदर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर, और जिस दिन हमारा मैराथन सेशन होगा उस दिन हमारी 5 PM वाली क्लास नहीं होगी। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बता दूं, जो स्टूडेंट्स IAS एस्पिरेंट्स है, जैसे 8 जनवरी से मेंस स्टार्ट होगा, ठीक है, यानी कि कल ऐसे का पेपर है, ठीक है। तो जैसे ही ऐसे का पेपर हो जाएगा तो मैं 9 जनवरी को ऐसे पर एनालिसिस क्लास करूंगी, ठीक है। तो हम ये एनालिसिस क्लास करेंगे ऐसे पर 9 जनवरी को। उसके बाद जो है फिर 9 जनवरी को फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हो जाएगा, तो फिर अगले दिन 10 और 11 को मैं फर्स्ट और सेकंड पेपर यहाँ पर कवर करूंगी, ठीक है। तो जैसे ही हमारा मेंस होता है फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम फर्स्ट पेपर करेंगे, सेकंड, तो जब तक पेपर चलेंगे हमारे तब तक हम जो है ये सेशंस नहीं करेंगे, अपने नॉर्मल सेशंस। हम सिर्फ यूपीएससी के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, उनका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी, एसे का सॉल्यूशन, फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन, सेकंड पेपर का सॉल्यूशन, हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे सबसे पहले, ठीक है। और वहीं से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर उन पेपर्स में देखकर मुझे लगता है कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है तो मैं वो सिलेबस में ऐड कर दूंगी, ठीक है, ताकि जब आप 21-22 के लिए जाएं तो आपको वहां पर हेल्प इसके लिए मिल जाए, राइट। इस तरीके से तो इंपीरियल एक्सपेंशन आफ्टर 1880, इसने भी, यानी कि जो ये एक इंपीरियलिस्टिक जो टेंडेंसी रही है इन वर्ल्ड पावर्स की, इसने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। द यूरोपियन पावर हैड टेकन पार्ट इन अ ग्रेट बर्स्ट ऑफ इंपीरियलिस्ट एक्सपेंशन इन द ईयर्स आफ्टर 1880, ठीक है। मतलब जो ये यूरोपियंस पावर है ना, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बड़ा इंपीरियलिस्टिक, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा हो ये अपने साम्राज्य को या अपनी सीमाओं को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब सीमाएं बढ़ाने के लिए क्या करते थे, ये कॉलोनीज बनाने लगे, है ना, एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज पर अपना कंट्रोल करने लगे। जैसे ब्रिटेन इंपीरियलिस्टिक था, जर्मनी, स्पेन, डैनिश, ये सब इंपीरियलिस्टिक कंट्रीज थे। तो ज्यादा से ज्यादा देशों पर कंट्रोल करो, उनकी मार्केट पर कंट्रोल करो, उनके रॉ मटेरियल पर कंट्रोल करो, तो ये सारी टेंडेंसीज हुआ करती थी। और जब भी कोई सिचुएशन होती थी यूरोप में तो उसका इफेक्ट, जैसे आप देखिए, जब ब्रिटेन की और फ्रांस की यूरोप में बिगड़ती थी तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया पर पड़ता था, ठीक है। तो मेजर वर्ल्ड शेपिंग डिसीजंस आर टेकन इन द कैपिटल्स ऑफ यूरोप। तो यूरोप के कंट्रीज जो थे वही वर्ल्ड पावर थे, वही पूरी दुनिया को चला रहे थे, इनके पॉलिटिकल सिस्टम ऑटोक्रेटिक थे और इनकी इंपीरियलिस्टिक एक्सपेंशन टेंडेंसी ने वर्ल्ड वॉर करा दिए, पूरी दुनिया को लड़ा दिया। और आज तक भी दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मार से आज तक भी नहीं उबर पाए हैं। और जर्मनी जो एक बहुत बड़ा रीजन था फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का, वो जर्मनी जो है कभी वर्ल्ड पावर हुआ करता था, और आज आप खुद देखो जर्मनी का कितना नाम है, बस एक डेवलप्ड कंट्रीज भले ही हो लेकिन जिस तरीके से यूएसए है, जापान है, ब्रिटेन है, उस तरीके से जर्मनी का जो है यहाँ पर कोई आउटलुक इतना नहीं है, ठीक है। अब इंपीरियलिज्म क्या होता है, किसे कहते हैं साम्राज्यवाद,
इम्पीरियलिज्म इज द बिल्डिंग अप ऑफ एन एम्पायर बाय सीजिंग टेरिटरी ओवरसीज, यानी कि दूसरे एरिया में समुद्र पार जाकर दूसरे एरिया को कंट्रोल कर लेना, दूसरे क्षेत्रों को कंट्रोल कर लेना और अपना एक एम्पायर बनाना, जैसे ब्रिटिश एम्पायर था। इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर टिल 1947, फ्रॉम 1773 ऑनवर्ड्स, राइट। मोस्ट ऑफ द अफ्रीका वॉज टेकन ओवर बाय यूरोपियन स्टेट्स, अफ्रीका को भी कैसे लिया हुआ था यूरोपियन स्टेट्स ने, एंड इन व्हाट बिकेम नोन एज द स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। अफ्रीका को जैसे जैसे कोई सब्जी तरकारी को काटते हैं ना, चॉपिंग करते हैं, इस तरीके से चॉप करके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को यूरोपियन स्टेट्स ने, यूरोपियन पावर्स ने कंट्रोल किया हुआ था, जो आगे चलकर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन बना था। एंड द आइडिया बिहाइंड इट वॉज मेनली, आइडिया क्या था इसके पीछे देशों को कंट्रोल करने का, एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज को कंट्रोल करने का आइडिया क्या था, क्योंकि कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइज्ड हुआ करते थे, इंडस्ट्रीज थे, एग्रीकल्चर इन पे होता नहीं है क्योंकि क्लाइमेटिक रीजंस थे, तो ये क्या करते थे, इट वाज मेनली टू गेट कंट्रोल ऑफ न्यू मार्केट्स एंड न्यू सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, इंडिया में अब इनको अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए नील चाहिए तो नील उगाओ भाई, ठीक है, इनको चाय चाहिए, इनको स्पाइसेस चाहिए, इनके लिए क्या, क्योंकि यूरोप में चीजों की बहुत डिमांड होती है बिकॉज ज्योग्राफी ऐसी है, और अपना जो मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल है इनका, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, दे नीड न्यू मार्केट्स, ठीक है, मार्केट्स पर होल्ड बनाना है इनको, इसीलिए क्या करते हैं, एक बार किसी कंट्री में घुस गए तो दूसरी यूरोपियन पावर्स आती है तो वॉर करके उसको निकाल देते हैं, राइट। सो ऑल दीज आर द रीजंस ऑफ बिहाइंड द इंपीरियलिस्टिक, ठीक है, पॉलिसीज और टेंडेंसी ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। तो बेसिक रीजन क्या था, टू गेट कंट्रोल ऑफ न्यू मार्केट्स एंड न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट from exam point of view, so you should need all the details regarding this, okay, right? समझ में आ रहा है? Are you getting my viewpoint? Right? पहला रीजन हमने पढ़ा था कि यूरोप डोमिनेटिंग था, दूसरा रीजन हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल सिस्टम देखने में डेमोक्रेटिक थे बट एक्चुअली ऑटोक्रेटिक थे, तीसरा रीजन पढ़ा इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसीज थी, चौथा रीजन हम लोग पढ़ रहे हैं द अलायंस सिस्टम इन यूरोप, यूरोप में क्या हुआ करता था, अलायंस सिस्टम गुटबाजी हुआ करती थी, ठीक है। जैसे देखिए आप, पूरा का पूरा जो यूरोप था ना वो आर्म्ड कैंप में बटा हुआ, तो यही आर्म्ड कैंप जो थे ना, इसने क्या किया, इन्होंने, इन आर्म्ड कैंप ने जो है यूरोप को कई बार युद्ध के जो है कगार पर लेकर आया, लेकिन युद्ध नहीं हो चुका, लेकिन 1914 में तो हुआ ना, तो ये जो अलायंसेस हुआ करती थी, ये जो गुटबाजी हुआ करती थी, इसने जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर रोल प्ले किया था, राइट। टू अलायंस सिस्टम इन यूरोप, द ट्रिपल अलायंस, जिसमें मतलब आप देखिए एक तरीके से ट्रिपल अलायंस एंड द ट्रिपल एंटिटी, आपने अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को पढ़ा है या आगे मैं इसको कंप्लीट करूंगी कि उस टाइम पे यूरोप अलायंसेस में बटा हुआ था, तो जब अलायंस में बटता था यानी कि एक देश जब दूसरे देश से मिलता था ना, तो जो तीसरा देश होता था ना उसके पास जो है वो सस्पिशियस हो जाता था, राइट। तो इसने बेसिकली जो ये अलायंस सिस्टम था, इसने यूरोप में क्या सिचुएशन, इसने मिसट्रस्ट की सिचुएशन को पैदा कर दिया, ठीक है, यानी कि एक कंट्री दूसरे कंट्री पर भरोसा कर ही नहीं सकता था, मिसट्रस्ट, ठीक है, मिसट्रस्ट को यहाँ पर जन्म दिया, राइट। तो इस अलायंस सिस्टम से क्या हुआ, मिसट्रस्ट, करते ही नहीं थे दूसरे पर विश्वास, राइट। एंड दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड द आर्म्ड कैंप्स। अभी देखो ये दो कैंप बन गए यूरोप में, है ना, पहला ट्रिपल अलायंस जिसमें कौन होते थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली, राइट। एंड द ट्रिपल एंटिटी कौन होते थे, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यानी कि जर्मनी इनका दुश्मन, तो एक इनका अपना गुटबाजी, इनका अपना फ्रेंडशिप, ठीक है। तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स होते थे, इन्होंने कभी फेसबुक पर एक दूसरे को रिक्वेस्ट नहीं भेजी, कभी वीडियो कॉल नहीं किया, कभी व्हाट्सएप चैटिंग नहीं होती थी, है ना, तो ये मतलब ब्लॉक करके रखते थे एक दूसरे को जो है अपने अपने सोशल मीडिया से, ठीक है। तो मतलब आई एम जस्ट मेकिंग द थिंग्स, आपको जो है मैं ये सब सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट के लिए बता रही हूँ, ताकि आपका थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर ना आ जाए, अरे मैडम ने आज क्या पढ़ा दिया, है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, है ना। तो कईयों को तो ऐसा हो जाता है ना, कईयों की तो बेहोशी वाली हालत हो जाती होगी, है ना, ठीक है। यूपीएससी मोटिवेशन सॉन्ग, अच्छा यूपीएससी मोटिवेशन सॉन्ग कौन से होते हैं, ठीक है,
रिंकू परेटा है, गुरमीत है, ठीक है, जेनी है ना, कलियों को तो मतलब ये है कि बस अभी तो पहला ही चैप्टर है, अभी जब आगे आगे पढ़ोगे ना तो कहीं मैं ये सोच रही हूँ आप लोग बेहोश ना हो जाए तो मुझे कैसे पता चलेगा, है? मतलब पता चले कुछ आपको जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन ना देनी पड़ जाए, है? कईयों को तो लग रहा होगा पता नहीं हम कौन से ग्रह में हैं, आज मैडम कहाँ चली गई हैं, ऐसा लग रहा है किसी को, ठीक है, किसी को ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, ट्रिपल अलायंस सिस्टम था यूरोप में जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर करा दिया कि नहीं लग रहा, पता नहीं। चलिए अब ये ग्रुप क्या थी, ये गुटबाजी क्या थी, इसने एक अविश्वास को जिसे कहते हैं ट्रस्ट डेफिसिट, क्या कहते हैं ट्रस्ट डेफिसिट, अच्छा अभी तक तो ठीक है ना, ट्रस्ट डेफिसिट यानी कि एक विश्वास की कमी हो गई थी, ठीक है, शक की निगाहों से देखा करते थे जर्मनी ब्रिटेन को, ब्रिटेन जर्मनी को, ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी को, फ्रांस को, रशिया को, मतलब ये आपस में, क्योंकि यही तो वर्ल्ड पावर थी और यही जो है दो गुटबाजी में बट गई और इन्हीं की वजह से आगे चलकर वर्ल्ड वॉर्स होते हैं, ठीक है, एंड दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड द आर्म्ड कैंप्स, ठीक है, आर्म्ड कैंप्स यानी के आर्मी कैंप होते हैं ना, जैसे मेरे पास इतने हथियार हैं तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, है ना, मतलब इस तरीके का एक इगोइस्टिक नेचर बन जाता है, तू मेरे बराबरी नहीं है, मैं तेरे, तू मेरे सामने क्या है कि नहीं, तो ये आमने सामने होते थे, फेस टू फेस, आई टू आई कॉन्टेक्ट इन द सेम लाइक दिस राइट, एंड विच हैड ब्रॉट यूरोप, जो तो ये यही आर्मी कैंप्स, यही इनकी याराना था ना, पूरा दोस्ती थी जर्मनी की, ऑस्ट्रिया हंगरी से, इटली से, पूरा पक्के वाला यारा ना था इनका, एकदम पक्की वाली दोस्ती, ठीक है, तो ये जो आर्म्ड कैंप्स थे ना, इसने यूरोप को 1900 तक कई बार ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी कि युद्ध की कगार पर पहुंच गए थे, अब कितनी कितनी कोशिश करें, कितनी बार आप जो है उस फाइट को, उस एक आने वाले संकट को कितना रोकोगे, ठीक है, कभी ना कभी, क्योंकि मिस्ट्रस्ट इतना बढ़ गया है, ग्रुपिज्म बन गई है, तो कभी ना कभी तो वो एक अंदर जो हम सोचे बैठे हो कभी ना कभी तो निकलेगा ना, तो सेम निकला 1914 में, कुछ रीजन बनेगा, कुछ कारण बनेगा, तो वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो कौन सा रीजन यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है, अब कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन का मतलब होता है डिस्प्यूट्स, जो इनके कॉन्फ्लिक्ट्स थे, ठीक है, जो इनके झगड़े थे, जो इनके कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उसका क्या रीजन बना, ठीक है, उसके कारण पढ़ते हैं अभी। 1914 में हमने यूरोप को पढ़ लिया किस तरीके का था, फिर इनके बीच आपसे डिस्प्यूट की, कॉन्फ्लिक्ट्स की जो है क्या वजह बनी थी, अशुलाना वेरी गुड इवनिंग, ठीक है, देर वर अ कपल ऑफ रीजंस राइट, बहुत सारे रीजंस हैं विच थ्रेटन टू अपसेट द पीस ऑफ यूरोप, जिसने यूरोप की शांति को भंग कर दिया था, ठीक है, आपस में यूरोपियन कंट्रीज लड़ मारे थे, देयर वॉज अ नेवल राइवलरी बिटवीन ब्रिटेन एंड जर्मनी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, क्योंकि जर्मनी और ब्रिटेन जो थे वो आमने सामने थे, मतलब पक्के वाले दुश्मन, है ना, ये फ्रेंड्स फ्रेंड्स नहीं थे, ये पक्के वाले दुश्मन थे, दोनों के बीच नेवल राइवलरी थी, ब्रिटेन चाहता था मैं दुनिया की सबसे बड़ी नेवी पावर बनूं, जर्मनी चाहता था मैं सबसे बड़ी नेवी पावर हूं, क्योंकि आज नेवी पावर विकसित करने के लिए किसकी जरूरत होती है, जहाजों की, जिसके पास जितने ज्यादा जहाज, जिसके पास जितने नेवी आर्मी पर्सन, वही हो गया, ठीक है, और इसको बनाने के लिए जर्मनी के पास क्या थे, कोल रिजर्व्स थे, पिग आयरन था, ठीक है, स्टील था, आईआर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हद तक, वैसे ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है शिशिर सैनी, और वो भी हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, ठीक है,
प्रीलिम्स के लिए मैंने मॉर्निंग में सीरीज स्टार्ट कर रखी है 11:30 बजे। प्रीलिम्स वाला मैं सुबह 11:30 बजे लेक्चर लेती हूँ। एक प्रीलिम्स के लिए चलता है और एक मेंस के लिए चलता है, ठीक है? राइट, ओके। चलिए, तो राइवलरी ब्रिटेन और जर्मनी के बीच, ठीक है, दुश्मनी। नेवी पावर को लेकर, ठीक है, नेक्स्ट। फ्रेंच रिजेंटेड द लॉस ऑफ अलेस लॉरेन टू जर्मनी एट द एंड ऑफ फ्रेंको प्रशियन वॉर 1871। देखो आपस में दुश्मनी का क्या रीजन बना था। टाइमिंग है सुशील मेरी, दो क्लासेस होती हैं। पहली क्लास मेरी इसी चैनल पर B2M बिगिनर टू मास्टर, ये जो चैनल है ये अकेडमी ने स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो फ्रेशर हैं, ठीक है, जो 2022-23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको हम यहाँ पर बेसिक्स, बुक्स की समरी, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो 11:30 बजे मेरी क्लास होती है जो मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ाती हूँ, IAS प्रीलिम्स के लिए। और जो 5 बजे मेरी क्लास होगी वो होगी मेंस के लिए, ठीक है। और कल सेम है, कल 8 तारीख है, तो कल IAS का मेंस है, ऐसे का पेपर होगा। तो ऐसे के पेपर के एनालिसिस के साथ, सॉल्यूशन के साथ मैं आपको 9 तारीख को मिलूंगी। उस दिन हमारा कोई सेशन नहीं होगा, जब तक मेंस चलेगा मैं एनालिसिस लेकर आऊंगी, क्योंकि 20-20 क्वेश्चंस होते हैं, वो 2-3 आवर्स का जो है हमारा हो सकता है, ठीक है। हाँ, ये जनरल स्टडीज पेपर 1 के लिए भी है, ठीक है। बाकी आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस नोट्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर इस बार जब ये बुक मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो इस बार जो फर्स्ट पेपर होगा 9 जैन को, यस, हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यस रिंकू, यस, ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट मैंने आपको बताया कि फ्रेंच रिजेंटेड द लॉस ऑफ एलेस लॉरेन टू जर्मनी एट द एंड ऑफ फ्रेंको प्रशियन वॉर 1871, ठीक है। देखो प्रशिया जो था, प्रशिया पार्ट हुआ करता था जर्मनी का, ठीक है। अब यहाँ पर जर्मनी और फ्रांस के बीच एक दुश्मनी हो जाती है। कैसे होती है दुश्मनी? और ये फ्रेंको प्रशियन वॉर 1871 में होता है। देखो होता क्या है, इस टाइम पे जो रूल होता है वो होता है नेपोलियन थर्ड का, यानी कि जो नेपोलियन का पोता होता है, नेपोलियन थर्ड का रूल हुआ करता था कहाँ पर? फ्रांस में, ठीक है। अब फ्रांस को अपना एक बहुत ही फर्टाइल मैदान जो एलेस लोराइन के रूप में वो जर्मनी को देना पड़ा, लेकिन इसके लिए जर्मनी जो है बहुत मजबूर था, कुछ कर नहीं सकता था। क्या हुआ था ऐसा, 1871 की बात है, क्या होता है, फ्रेंच यानी कि स्पेन की जो महारानी थी, ठीक है, कैपिटल फ्रांस की स्पेन हुई, तो स्पेन की महारानी क्या करती है, प्रशिया के राजकुमार जो कि जर्मनी का पार्ट था, ठीक है, तो प्रशिया के राजकुमार को इनवाइट करती है स्पेन की राजगद्दी के लिए, ठीक है। अब ये बात जो है फ्रांस को खल गई, नेपोलियन थर्ड को खल गई जो वहां पे गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, ठीक है, एम जय अन्ना वेरी गुड इवनिंग, क्वेरीज बाद में लेंगे बेटा, ठीक है, पहले हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करते हैं फ्रेंको प्रशियन वॉर 1871 क्यों हुआ था। तो 1871 में स्पेन की महारानी ने प्रशिया के राजकुमार को इनवाइट किया, ये बात फ्रांस को अच्छी नहीं लगी, ठीक है। फ्रांस ने प्रशिया से बात की, जो फॉरेन एम्बेसडर्स होते हैं उनके थ्रू, ठीक है, कि आप जो है स्पेन की जो है राजनीति से दूर रहो, आप अपने किसी भी राजकुमार को स्पेन की गद्दी पर बैठने के लिए नहीं बोलोगे, आप दूर रहोगे, हम महारानी को अपने आप संभाल लेंगे, ये यहाँ पर मेन इश्यू हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, चलो जर्मनी ने जो कि प्रशिया जर्मनी एक ही बात है उसी का पार्ट था,
तो यहाँ पर वो बात मान ली, ठीक है कि नहीं, लेकिन फ्रांस के बीच के अंदर क्या हुआ, इन्होंने कहा कि आप हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए जो इस बात का सबूत हो कि आप कभी भी फ्रेंच के जो मोनार्की है, जो राज सिंहासन है, आप उसमें कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है, आप हमें जो है डॉक्यूमेंटेशन इसका कर दीजिए। तो जर्मनी को, प्रशिया को ये बात बहुत बुरी लगी कि ये अजीब बंदा है, जब हमने प्रॉमिस कर दिया तो उसके बाद भी आप हमसे क्यों डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं देंगे तो हम आप पर कैसे विश्वास करें, आप तो अभी मना कर दिया कल को जाके। फिर जो है आप देखो, अगर फ्रांस का प्रशिया, ये जर्मनी और प्रशिया का कोई राजकुमार अगर फ्रांस में आके बनता है राजा, तो ये फ्रेंच के लिए एक इंसल्ट नहीं है क्या? मतलब उनको इनसिक्योरिटी फील नहीं होगी क्या? तो उसके लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है, ठीक है, लेकिन इसको जर्मनी ने नहीं माना, जर्मनी और प्रशिया का पार्ट हुआ करता था। तो यहाँ पर फ्रांस क्या करता है, जर्मनी के अगेंस्ट, प्रशिया के अगेंस्ट में युद्ध डिक्लेयर कर देता है, जिसमें जो फ्रांस की बहुत बुरी हार होती है, बहुत बुरी हार होती है। और यहाँ पर जर्मनी प्रशिया जो है वो फ्रांस का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फर्टाइल लैंड हुआ करती थी, एलाइस लोरेन की, वो ले लेता है। और फ्रांस और जर्मनी के बीच इस चीज को लेकर बहुत बड़ी जो है दुश्मनी थी। फ्रांस किसी फूटी आंख जर्मनी को पसंद नहीं करता था, ठीक है। तो जर्मनी इस तरीके से बहुत ज्यादा पावरफुल था, राइट। लेकिन इसमें तो कंटेंट हिंदी में नहीं है ना, मुझे ये बुक तो है ही इंग्लिश में अवेलेबल। बेटा हिंदी में सिविल सर्विसेज करना एक यूथोपिया है, ठीक है। ठीक है, एक वहम है, हिंदी में यूपीएससी बहुत टफ है। ठीक है, हाँ, नहीं मेरी विश नहीं बचे, विश यूपीएससी की चलेगी, ठीक है, 1%, ठीक है। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए, 2016 से लेकर 2019 तक हिंदी मीडियम से, ठीक है, हिंदी मीडियम से एक भी आईएएस ऑफिसर नहीं बना, आईएएस नहीं बना। अगर जो 2, 4, 8, 10 सिलेक्शन वो भी जाते हैं ना बेटा, तो वो भी आईआरएस वगैरह में या जो लोअर सर्विसेज होती है उनमें जाते हैं, हायर सर्विस में नहीं जाते हैं। आईपीएस भी बहुत कम है, आईएएस तो है ही नहीं 16 से लेकर 19 तक हिंदी मीडियम से। तो आप सोचिए क्या सिचुएशन है, तो क्यों फ्यूचर बर्बाद करना, ठीक है। तो फ्यूचर बर्बाद मत करो बच्चे, इन हिंदी जो बहुत बड़े बड़े क्लेम करते हैं ना, हिंदी मीडियम इंस्टीट्यूशंस, तो वो गलत गाइड करते हैं। मैं बिल्कुल भी इस चीज को जो है फेवर नहीं करती हूँ। क्यों है ऐसा? बेसिकली ऐसा इसलिए है क्योंकि जो क्वालिटेटिव स्टडी मटेरियल है, जो यूपीएससी के जो प्रोफेसर्स हैं, जो पेपर बनाते हैं, वो सभी हिंदी कंटेंट पढ़ रहे हैं। जनरली दे बिलोंगिंग टू साउथ इंडिया, उनको तो हिंदी आती ही नहीं। और ना तो कोई हिंदू न्यूज़पेपर ऐसा है, कोई भी स्टैंडर्ड हिंदू न्यूज जो है हिंदी न्यूज़पेपर नहीं है जो यूपीएससी की डिमांड्स को फुलफिल कर सके, करंट्स को, ठीक है। तो एक द हिंदू है और इंडियन एक्सप्रेस, बताइए द हिंदू को दैनिक जागरण जो है स्टैंड कर लेगा क्या? दैनिक जागरण को और हिंदू को आप एक साथ कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हिंदू ये जो दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, भास्कर है, तो ये सारे न्यूज़पेपर जो है चाय की दुकान पर बैठकर चाय पिए और चाय पीते पीते पढ़ लीजिए, या दादाजी के पढ़ने के लिए है, घरों में पढ़ने के लिए है, ठीक
ठीक है, तो कोई भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दीज न्यूज़पेपर आर नॉट रेलिवेंट। ठीक है, आप तो रोज बात करते हैं आशुराना, मुझे घर का एड्रेस दे दीजिए, मैं आपके घर आ जाती हूँ, हैं? चाय वाय पी लेंगे आपके घर पे, डिनर विनर पे इनवाइट कर लो मुझे लंच पे। ठीक है, कैफे कॉफी डे ले चलो मुझे, कॉफी पर ले चलो मुझे, वहीं पे बात कर लेंगे, ठीक रहेगा ना? गाइड भी हो जाएगा, मेरी भी थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, लेके चलो मुझे, ठीक है? ठीक है ना? हाँ, ये बात सही है बिल्कुल, राइट? तो यहाँ पर ये वजह है, तो मैं आपको बिल्कुल भी मिस गाइड नहीं करूंगी बेटा, ठीक है? दी जर्मन, तो ये मैंने स्टोरी बता दी आपको, फ्रांस और जर्मनी के बीच की कट्टर दुश्मनी। अब कोई हमारी सबसे कीमती चीज अगर ले ले तो हम उसके दुश्मन होंगे कि नहीं होंगे, है ना? तो सेम यहाँ पर वो चीज थी। उसके बाद जर्मन्स वर आल्सो डिसअपॉइंटेड, जर्मन्स जो है वो बहुत ज्यादा नाराज थे, किस वजह से? विद रिजल्ट्स ऑफ देयर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, इनकी अपनी एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, कौन सी? जर्मन की जो वर्ल्ड पॉलिसी, उसे वेल्ट पॉलिटिक कहते हैं, क्या कहते हैं? वेल्ट पॉलिटिक, वर्ल्ड पॉलिसी, उसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे थे, है ना? मतलब फ्रस्ट्रेट था बंदा जब हम ऐसा सोचे कि हमें ऐसा करना चाहिए और वैसे रिजल्ट हमें, एक्सपेक्टेशन अगर हमारी वैसी ना हो तो ऑब्वियसली बहुत नेचुरल सी बात है, बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, है ना? और फ्रस्ट्रेशन में क्या करेगा, किसी का मैदान छीनेगा, है ना? मतलब क्या करेगा? They had taken possession of some islands in the Pacific and some territory and in Africa. अब इसका क्या था, इसके पास बहुत कम जो है islands थे, possession के लिए बहुत कम थे। अब जर्मनी, कभी आपने सुना इंडिया में नहीं, इंडिया उस टाइम पे बहुत बड़ी जो है कॉलोनी हुआ करता था, बहुत रिच प्रॉस्पर एरिया था, सोने की चिड़िया था, गोल्डन स्पैरो था, वो जर्मनी को नहीं मिला, ब्रिटेन को मिला, तो ब्रिटेन बड़े गीत गाता था, मैं तो ये, मैं तो, मतलब बहुत इंडिया का दम बढ़ता था, इंडिया इसके पास है। तो इस तरीके की वर्ल्ड पॉलिसी, इंपीरियलिस्टिक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, ठीक है? तो जर्मनी खुद बहुत फ्रस्ट्रेट था ब्रिटेन के सामने, है ना, या फ्रांस के सामने, तो फ्रांस भी अपने आप में बहुत अल्टीमेट पावर था, राइट? और उसके बाद देखो, द रशियंस वर सस्पिशियस ऑफ ऑस्ट्रियन एम्बिशंस इन द बाल्कन्स, ठीक है? बाल्कन कंट्रीज आपको पता है पहले ऑटोमन एम्पायर का ही पार्ट हुआ करते थे, ठीक है? तो ये ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सारी कंट्रीज, बोस्निया, ये सारी कंट्रीज ना रशिया, रशियन जो है ना बहुत ही शक की निगाह से देखा करते, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना ट्रस्ट डेफिसिट, राइट? तो ट्रस्ट डेफिसिट एक बहुत बड़ा रीजन था, और इस रीजन को प्रूफ करने के लिए आपको एक दो इवेंट्स जो है यहाँ पर इश्यू बता देना है एग्जाम में, ट्रस्ट डेफिसिट कैसे हुआ, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट सबसे बड़ा रीजन था ट्रस्ट डेफिसिट का कि अलायंसेस में ग्रुपिज्म, गुटबाजी थी यूरोप में, है ना? फ्रेंड्स फ्रेंड्स, दुश्मन दुश्मन, इस तरीके से, राइट? एंड वरीड अबाउट द ग्रोइंग मिलिट्री एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ जर्मनी, जर्मनी जिस हिसाब से मिलिट्री और इकोनॉमिकली उभर रहा था ना, तो रशिया के पसीने छूट रहे थे, तो रशिया और जर्मनी भी आपस में जो है बड़े वाले दुश्मन थे। एंड ऑल दीज रिजेंटमेंट्स एंड टेंशंस केम टू अ सीरीज ऑफ इवेंट्स व्हिच कल्मिनेटेड इन द आउटब्रेक ऑफ वॉर इन लेट जुलाई 1914, ठीक है? तो जुलाई 1914 में जो है ये सारी टेंशंस, दिमाग के फतूर, और जो है जो भी मेंटालिटी थी, जितना भी फ्रस्ट्रेशन था, वो जुलाई 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ग्राउंड तैयार हुआ था यहाँ पर, ठीक है? और वो एकदम से विस्फोट, चिंगारी फूटी थी एग्जैक्टली जुलाई 1914 में, ठीक है? तो कितना बर्दाश्त कर रहे, तो कहीं ना कहीं तो सब्र का बांध टूट जाना है ना, राइट? तो ये देखिए, अभी हम पढ़ेंगे जो तीसरा सेगमेंट बुक में दिया है नॉर्मल लॉबे की, वो है मेजर इवेंट्स विच लेड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर करा दिया। सबसे पहला रीजन था मोरोक्कन क्राइसिस, 1956 की इवेंट है, इसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कराने में कैसे, देखो मोरक्को आपको पता है, मोरक्को जो है एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है, और मोरक्को एक ऐसा कंट्री था जो किसी भी यूरोपियन पावर के डोमिनेशन में नहीं था, जैसे इजिप्ट हो गया, मोरक्को हो गया, ये कुछ ऐसे रीजन थे जिन पर कोई भी यूरोपियन पावर का कंट्रोल नहीं था, मतलब वो इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, मतलब इनकी किस्मत लगाइए या कोई सिस्टम लगाइए आप, मोरक्को किसी का भी जो है डोमिनेशन में नहीं था, जैसे साउथ अफ्रीका थे या वो अफ्रीकन कंट्रीज थे, उस तरीके से मोरक्को नहीं हुआ करता था। मोरक्को को लेकर क्या था मोरक्को क्राइसिस, ये आप समझिए यहाँ पर, राइट। यहाँ पर देखो तीन देशों का लेना देना था, ठीक है, तो तीन देश यहाँ पर मोरक्को हो गया एक तरफ। अब मोरक्को को लेकर तीन देशों के बीच जो है क्या प्रॉब्लम्स आती है, एक तरफ आपका जर्मनी, देखो जर्मनी की टांग आपको हर जगह मिलेगी, एक भी मामला ऐसा नहीं होगा जहां पर जर्मनी अपनी टांग नहीं अड़ाएगा, हर जगह अड़ाएगा। और इसकी टांग जब कट जाएगी ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए भी तैयार रहेगा, मतलब फर्स्ट सेकेंड, फिर इसने मतलब अपनी दूसरी टांग भी गवा दी, पूरा बर्बाद जब तक नहीं हुआ, मतलब बर्बाद हो गया जर्मनी, लेकिन इसने टांग अड़ाना नहीं छोड़ा। सेम जर्मनी की बात है, तो जर्मनी यहाँ पर एंट्री है, तो जर्मनी यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दो कंट्री होते हैं यहाँ पर, एक तरफ है फ्रांस और दूसरी तरफ है यहाँ पर ब्रिटेन। ठीक है, इन दोनों की कुछ बात होती है, क्योंकि फ्रेंड्स फ्रेंड्स भी हैं, संधि होती है, और जर्मनी जो है बीच में एंट्री करता है। ठीक है, अब एंट्री क्या और मोरक्को को लेकर, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मोरक्को उन रीजंस में से था जिस पर कोई भी यूरोपियन कंट्रोल नहीं था, अगर किसी का यूरोपियन कंट्रोल होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि वो अनडिस्प्यूटेड उसका जो है मालिक होगा। ठीक है, जैसे इंडिया था, इंडिया का जो है ऑनर ब्रिटेन बना हुआ था, लेकिन मोरक्को का कोई भी ऑनर नहीं था, और यहाँ पर सुल्तान हुआ करता था, तो जो स्टार्टिंग वाले सुल्तान थे वो तो थे मजबूत, लेकिन लेटर वाले आपको पता ही है, हर जगह लेटर वाले जो रूलर्स होते हैं ना वो वीक ही होते हैं, और वो किसी न किसी तरीके से यूरोपियन पावर्स की एंट्री कराई लेते हैं। ठीक है, तो सेम मोरक्को के साथ भी हुआ, लेकिन ये मोरक्को क्राइसिस हुआ क्या और किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बना, ये मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी, राइट। नेक्स्ट, टेक्निकल गेमर खुश लिख रही है मैम, फॉल ऑफ जार इन रशिया वाज रीजन ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट। ठीक है, नहीं ये ट्रस्ट डेफिसिट नहीं था, ये एक एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिटिकल रिजीम का एंड था, जो कि जस्टिस था, ऐसा होना चाहिए था, इस तरीके के जार सिस्टम कहीं भी नहीं होने चाहिए। आज के टाइम पे अगर आपने नॉर्थ कोरिया के बारे में सुना है ना, वो सेम मतलब ऐसा ही है मेंटल आदमी है ना, तो हर एज में कोई ना कोई एक आध ऐसा कंट्री है जहां पर मेंटल लोग हैं किम जोंग जैसे, जैसे नॉर्थ कोरिया है आज के टाइम पे। ठीक है, तो साउथ कोरिया के नाक में दम रखता है, जैसे यस, ठीक है, उसी के बारे में पढ़ेंगे बेटा, वही हम चीजें क्लियर करेंगे। टेक्निकली गेमर खुश, पता नहीं नाम आपके इतने बड़े बड़े कैसे हैं, हैं टेक्निकल गेमर खुश, ओके। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको एक बेस बताया। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर, बेसिकली जर्मन्स टू एक्सपेंड देयर एम्पायर, तो जर्मन अपने एम्पायर को फिर से वही पॉलिसी एंट्री करता है, टू टेस्ट द रिसेंट एंग्लो फ्रेंच एंटेटे कोडेल 1904 में क्या होता है, फ्रांस और ब्रिटिश के बीच फ्रेंडशिप हो जाती है, मतलब एंटेटे कोडेल का मतलब होता है फ्रेंडशिप वाली, है ना, दोस्ती हो गई दोनों की 1904 में, 1904 में दोनों की दोस्ती हो गई। और इन्होंने क्या किया, दोस्ती दोस्ती में दो अफ्रीकन कंट्रीज थे, अपनी आपसी सहमति से अंडरस्टैंडिंग बना ली है ना, अपना एग्रीमेंट कर लिया, राइट। फ्रांस वुड रिकॉग्नाइज, फ्रांस ने कहा भाई तू इजिप्ट में रह ले, और ब्रिटेन ने कहा भाई फ्रांस तू मोरक्को ले ले, बोल दी ये बात। ठीक है, फ्रांस कहाँ चला गया, फ्रांस चला गया मोरक्को में, ये बात ब्रिटेन ने बोल दी, और ब्रिटेन को फ्रांस ने क्या बोल दी, इजिप्ट। तो यहाँ पर ब्रिटेन के पास क्या है, इजिप्ट है, मिस्र है, ठीक है, और फ्रांस के पास क्या है, फ्रांस
मोरक्को है, ठीक है, दोनों के बीच एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब जर्मनी को तो क्या है ना, जर्मनी को कुछ ना कुछ तो मामला चाहिए ना कि यार शांति से सब कुछ हो रहा है, बिना लड़े बिना कुछ, है ना, तो कुछ मसाला कुछ ट्विस्ट, तो इसने तड़का लगाना चाहा बीच में। जर्मनी तड़का आता है यहाँ पर फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, ठीक है। तो जर्मन्स क्या करता है, जर्मनी यहाँ पर इस चीज की टेस्टिंग करता है, ये एक शक घुसा देता है मोरक्को के अंदर, ठीक है। तो मोरक्को का जो सुल्तान होता था, मोरक्को के सुल्तान को इसने क्या कहा, इसने घोषणा कर दी जर्मनी ने, जैसे ये सारी चीजें हुई तो जर्मनी ने बीच में एंट्री मारी और जर्मनी ने अपने न्यूज़पेपर में एक बात छपवा दी कि ये ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर मोरक्को को गुलाम कर रहे हैं। तो जर्मनी ने यहाँ पर मोरक्को का फेवर करते हुए ये बोला कि मैं आपकी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए आपको असिस्ट करूंगा। इसका मतलब, ठीक है, मान लो कोई दूसरा देश अगर हमारे यहाँ घुस जाए और फिर तीसरा देश ये बोले कि मैं आपको बचाने के लिए आपकी मदद करूंगा, इस देश पर भरोसा मत करो, तो फ्रांस के जो है यहाँ पर इमेज को डाउन करने की कोशिश करी, ठीक है, जर्मनी के इस एक्शन से, राइट। लेकिन फाइनली क्या होता है, इसने बोला जर्मनी ने कि मैं सुल्तान, जो मोरक्को के सुल्तान है वो पहले भी आ जाता, क्यों, क्योंकि मोरक्को पर पहले कोई यूरोपियन पावर थी ही नहीं, अब अचानक से फ्रांस वहां पर आ गया, ब्रिटेन ने उसको सपोर्ट कर दिया, तो यहाँ पर एक शक आया मोरक्को के सुल्तान के अंदर भी, बात तो भाई सही है इससे पहले, क्योंकि ये ऐसा रीजन था कि भाई क्यों आ रहा है, तो जर्मनी ने उसको जो है बोल दिया, उसकी जो एक सोई हुई कॉन्शियसनेस थी उसके अंदर, जो एक राष्ट्रवाद की भावना थी वो जगा दी, है ना। अब जर्मनी को यहाँ के सुल्तान से कोई लेना देना नहीं था, इसको तो बस फ्रांस और ब्रिटेन की फ्रेंडशिप को तुड़वाना था, तो मिस्ट्रस्ट यानी कि यहाँ पर ये वाले एक्शन से ब्रिटेन और फ्रांस को अपना दुश्मन यहाँ पर बना लेता है जर्मनी। और इतना ही नहीं, वो क्या बोलता है कि मैं मोरक्को के फ्यूचर को इंडिपेंडेंट बनाए रखने के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा, ठीक है, और स्पेन में जो है ये जो है कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। और इस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, मतलब फाइनली अब क्या हुआ, किसने क्या बोला, ये चीज जो है इतना ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप एक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझिए। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें फ्रेंच का जो डोमिनेशन था वो मोरक्को पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन के साथ साथ रशिया और भी कई कंट्रीज, ठीक है, क्या करते हैं, फ्रांस का सपोर्ट करते हैं मोरक्को के लिए, भाई ये तेरे को गुलाम नहीं बना रहा, ये तेरे को भी मेंटेन करेगा, ऐसी बात नहीं है, जर्मनी से भला आदमी है फ्रांस, तो जर्मनी का जो है फ्रांस पे भरोसा का, इस तरीके की बात जो है बोल दी, और फाइनली फ्रांस को जो है सपोर्ट किया मोरक्को के लिए। तो यहाँ पर जर्मनी की एक डिप्लोमेटिक हार हो जाती है और जर्मनी का साथ में ईगो हर्ट भी हो जाता है, ठीक है। अब भले ही सोल्यूशन फ्रांस और ब्रिटेन के फेवर में निकला, लेकिन जर्मनी तो पक्के वाला दुश्मन हो गया ना, ये तो अपनी हार को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा ना, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था। तो जर्मनी मौका ढूंढ रहा था कि मुझे कोई मौका मिले और मैं ब्रिटेन और फ्रांस को जो है आमने सामने खड़ा करें हम, ठीक है बेटा। मैं बात किसकी कर रही हूँ, हाँ ये बात सही है, जैसे चाइना पाकिस्तान करंट सिचुएशन है सेम, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट मैं क्या पढ़ा रही हूँ और आप पता नहीं कौन सी दुनिया की बात करते हैं, आप हॉलीवुड बॉलीवुड में चले जाते हैं, तो जो मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ बेटा, उसको कोशिश करा करें, उसको समझिए आप, ठीक है। तो ये समझ में आ गए आपको, ठीक है। तो मोरक्को में किस तरीके से ये क्राइसिस हुआ था, तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या निकला था, तीन देश, जर्मनी किसका दुश्मन बन गया था, फ्रांस और ब्रिटेन का, तो इनकी तो दुश्मनी यहाँ पर हो गई ना, तो ये एक बड़ा रीजन। तो मोरक्को क्राइसिस इन दिस वे बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट विच लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली, ठीक है। तो आपको ये चीजें धीरे 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 समझ में आएंगी, है ना, और कुछ लोग जो बेहोशी की हालत में हैं, बेहोश ना हो, थोड़ा जूता जूता मत सूंघे, ठीक है, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन करें, राइट।
उसके बाद अगला रीजन है ब्रिटिश एग्रीमेंट विद रशिया, ठीक है। तो ब्रिटेन यहाँ पर देखो फ्रांस के साथ दोस्ती दोस्ती है ना, अब ब्रिटेन क्या करता है रशिया के साथ भी दोस्ती। रशिया की और ब्रिटेन की 1907 से पहले ना दुश्मनी हुआ करती थी। क्यों हुआ करती थी? ये दिस वॉज रिगार्डेड बाई द जर्मन्स एज अनदर होस्टाइल मूव। इस बात को भी जर्मनी ने अपने अगेंस्ट माना। कैसे? इनफैक्ट इट वॉज अ लॉजिकल स्टेप, हालांकि एक लॉजिकल स्टेप था। 1894 में रशिया हैड साइंड एन अलायंस विद फ्रांस, ब्रिटेन्स न्यू पार्टनर इन द एंटेंटे कॉर्डियल, जो 1904 में था, ठीक है। तो 1894 में रशिया ऑलरेडी जो है फ्रांस के साथ वो साइन कर चुका था। अब फ्रांस का दोस्त रशिया है, तो फ्रांस का जो है फ्रांस और रशिया ऑलरेडी फ्रेंड्स हो गए, ठीक है। अब फ्रांस का दोस्त ब्रिटेन बन जाता है, लेकिन ब्रिटेन और रशिया जो थे वो दुश्मन थे। लेकिन जब इसके दोस्त का वो दोस्त बन गया, तो इसने सोचा चल भाई जब ये फ्रांस को धोखा नहीं दे रहा है तो मेरे को भी नहीं देगा। तो यहाँ पर रशिया भी की भी दोस्ती हो जाती। तो फ्रांस की और जो है ब्रिटेन की और रशिया की जो की बड़ी बड़ी पावर्स थी, क्योंकि ये भी जर्मनी को हराना चाहते थे, इनके अंदर भी जो है एक जो है तकलीफ यहाँ पर हो रही थी कि हम किसी तरीके से इस जर्मन को सबक सिखाए, जर्मनी को जो है वो सबक सिखाना चाहते थे, ठीक है। एंड ब्रिटेन हैड व्यूड रशिया एज अ ग्रेट डिसग्रेसफुल एग्जांपल ऑफ करप्ट एंटी डेमोक्रेटिक एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। इससे पहले ब्रिटेन जो है रशिया को इस तरीके से व्यू करता था, लेकिन अभी यहाँ पर फ्रांस की वजह से रशिया और ब्रिटेन भी फ्रेंड्स फ्रेंड्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फ्रेंड्स। The Russians were seen as a major threat to British interest in Far East. क्योंकि रशियन ब्रिटेन को क्या मानते थे? क्योंकि ब्रिटेन इंडिया में था, तो ईस्ट में और इंडिया के में जो है एक मेजर इसकी प्रेजेंस जो थी ना इंडिया और फार ईस्ट में, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थे, वहां पर ब्रिटेन की एग्जिस्टेंस को रशिया क्या मानते थे कि मेजर थ्रेट है हमारे लिए, तो एक थ्रेट मानते थे, ठीक है। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई थी। क्यों? क्योंकि एक तरफ जो है रशिया की हार भी हो गई थी जापान, ठीक है, जापान ने रशिया को हरा भी दिया था। तो इस तरीके से रशिया को एक पावरफुल फ्रेंड की भी जरूरत थी। तो ऑलरेडी जो है वहां पर ब्रिटेन था, तो ब्रिटेन के साथ दोस्ती भी करनी, तो ऑब्वियसली एक लॉजिकल स्टेप हुआ। जैसे जापान ने हरा दिया, कल को इंडिया हरा दे हमें, ठीक है। तो और ब्रिटेन को भी रशिया जैसे कंट्री का सपोर्ट मिल गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर होती हैं, और जिससे ये हो गया कि रशियंस वर नो लॉन्गर मच ऑफ ए मिलिट्री थ्रेट। जब जापान जैसे छोटे से देश ने जब रशिया बड़ जैसी बड़ी पावर को हरा दिया, तो रशिया की को अपनी इमेज भी ठीक करनी थी, इसलिए इसने क्या किया, बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज का पल्ला पकड़ना चाहा, ठीक है। नेक्स्ट, बोस्निया क्राइसिस होता है 1908 में, जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कराया, ठीक है। क्राइसिस ओवर बोस्निया, जो कि टर्की का एक प्रांत हुआ करता था, जैसे आपका यूपी बिहार इंडिया का स्टेट है, वैसे ही बोस्निया जो है वो टर्की का एक प्रांत हुआ करता था। इसने जो है इस प्रांत ने बोस्निया ने जो है वो ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच में टेंशन ला दी। कैसे ला दी? ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच में 1878 में, ठीक है, 1878 में 1878 में बर्लिन की कांग्रेस होती है, जैसे 1815 में हुई थी कांग्रेस ऑफ वियना। ये कुछ ऐसी गैदरिंग्स होती हैं जिन्होंने किसी ने किसी बड़ी प्रॉब्लम्स को, जैसे बहुत सारे क्राइसिस आते हैं, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए इस तरीके की कांग्रेस, जैसे कांग्रेस ऑफ वियना हुई थी 1815 में, वैसे 1878 में जो है कांग्रेस ऑफ बर्लिन हुई थी। और इसमें एक डिसीजन लिया था, ठीक है, इसमें क्या बोला था कि बोस्निया जो कि टर्की का एक एरिया था, तो इसमें बोस्निया के फ्यूचर को डिसाइड किया गया था, क्या कि ऑफिशियली टर्की का पार्ट रहेगा, लेकिन इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? ऑस्ट्रिया हंगरी करेगा। कौन करेगा? ऑस्ट्रिया हंगरी करेगा। लेकिन एक टाइम के बाद तुर्की में जो है यंग तुर्क्स का जो है शासन आता है, यंग तुर्क्स आ जाते हैं यहाँ पर, और इनको लगता है जब बोस्निया हमारे देश का पार्ट है तो हु द हेल यू ऑस्ट्रिया हंगरी, तो आप होते कौन हो जो है हमारे बोस्निया पर रूल करने वाले। तो इस वजह से यहाँ पर बोस्निया का क्राइसिस आता है, ऑस्ट्रिया हंगरी और टर्की जो है एक दूसरे के यहाँ पर दुश्मन बन जाते हैं, जिसने आगे चलकर टर्की ने जो है
किसका साथ दिया था, जर्मनी का साथ दिया था, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। फिर जर्मनी का साथ देते हैं और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार भी जाते हैं, फिर टर्की आगे चलकर अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेगा, ठीक है, और यहीं पर वो खलीफा वाला सिस्टम, ठीक है, तो ये वही बोस्निया क्राइसिस था जिसकी वजह से टर्की ने ब्रिटेन के अपोजिट जर्मनी का साथ दिया था, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी जो है फ्रेंड था किसका, ब्रिटेन का, इन दिस वे, ठीक है। तो ये था बोस्निया क्राइसिस, ठीक है, और ये आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अदागिर क्राइसिस था, ठीक है, अदागिर क्राइसिस 1911, फिर वही मोरक्को वाली सिचुएशन थी, ठीक है। तो यहाँ पर मोरक्को में फिर से एक सिचुएशन जो है, फिर से क्राइसिस पैदा होता है, किस वजह से, देखो फ्रांस तो ऑलरेडी था ही, ठीक है, क्योंकि 1905 में जो है जो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी तो फ्रांस के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट किया गया था मोरक्को के लिए, लेकिन यहाँ पर आगा दीर क्राइसिस आता है, कैसे कि फ्रेंच ट्रूप्स ऑक्यूपाइड फेज, मोरक्को की कैपिटल क्या थी, फेज, तो फेज को ऑक्यूपाई कर लिया था, टू पुट डाउन रिबेलियन अगेंस्ट द सुल्तान, ठीक है, कि सुल्तान जो है कोई भी रिबेलियन ना कर दे, ठीक है, या सुल्तान के किसी भी रिबेलियन को के सुल्तान के अगेंस्ट में कोई रिबेलियन यहाँ पर ना हो, एंड इट लुक्ड एज इफ द फ्रेंच वर अबाउट टू एनेक्स मोरक्को, ठीक है, और ऐसा लग रहा था कि फ्रांस जो है मोरक्को को अपने साम्राज्य का पार्ट बना लेंगे, राइट। तो यहाँ पर जर्मन की एंट्री होती है, जर्मन ने क्या कर दिया, जैसे ही फ्रांस की सेना ने मोरक्को के कैपिटल को कंट्रोल कर लिया, तो जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी सेंट अ गनबोट, द पैंथर, पैंथर एक बोट थी, मतलब जो मिलिट्री के लिए होती है, वो भेजा टू मोरक्कन पोर्ट ऑफ अगादीर, ठीक है, मोरक्को का एक बहुत फेमस पोर्ट है, बंदरगाह है अगादीर, उसको भेज दिया, और इस पोर्ट पर जर्मनी ने कंट्रोल कर लिया, क्यों, होपिंग टू प्रेशराइज द फ्रेंच इनटू गिविंग जर्मनी कॉम्पनसेशन, राइट। तो यहाँ पर क्या किया, ताकि वो जर्मन को यहाँ पर एंट्री करने ना दे, ये फ्रेंच को एंट्री करने ना दे, तो ये जो अगादीर था, जो ये अगादीर क्राइसिस है, ये बेसिकली मोरक्को के पोर्ट पर जर्मन ने अपनी गनबोट को यहाँ पर लगा दिया, जो आगे चलकर फ्रांस और जर्मनी के बीच फिर से एक जो है नया इशू आता। तो इससे पहले मैंने जब आपको मोरक्को क्राइसिस बताया था, तो ये नया एलिमेंट यहाँ पर निकल कर आता है, ठीक है। एंड द ब्रिटिश वर आरी वरीड इन केस द जर्मन्स एक्वायर्ड, और इस चीज से ब्रिटिश बहुत बुरे जो है चिंता में आ जाते हैं कि उसने अदगीर को जो है ऑक्यूपाई कर लिया है, क्यों, क्योंकि इससे यहाँ पर इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट नेवल बेस था, जो कि ब्रिटेन के ट्रेड रूट्स को थ्रेट कर सकता था, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिटेन फ्रांस, ठीक है, ऑलरेडी इसको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मोरक्को क्राइसिस में हरा चुके हैं, तो जर्मनी का भी ईगो हर्ट हो रखा था, तो कहीं भी मामला जो है खराब कर देता था, राइट। तो ये बहुत बड़े रीजन थे। उसके बाद जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होती है, फर्स्ट बाल्कन वॉर और सेकेंड बाल्कन वॉर 1912 में। द वॉर बिगेन व्हेन सर्बिया, ग्रीक, मोंटेनिग्रो एंड बुल्गारिया, ठीक है, जो अपने आप को ये सर्बिया, ग्रीक, मोंटेनिग्रो, बुल्गारिया, ये बाल्कन लीग, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने टर्की पर अटैक कर दिया। कभी ये सारे कंट्रीज टर्की में ऑटोमन एम्पायर था, उसके पार्ट हुआ करते थे, ठीक है, एंड दीज कंट्रीज हैड ऑल एट वन टाइम बीन पार्ट ऑफ तुर्किश ऑटोमन एम्पायर, लेकिन ये इससे बाद में अलग हो गए, इन्होंने क्या किया, फिर टर्की पर ही मिलकर अटैक कर दिया। एंड नाउ दैट टर्की वॉज वीक, ठीक है, जब इस पर अटैक किया था तो उस टाइम पे टर्की बहुत ही वीक था, और सिक मैन ऑफ यूरोप कहलाता था, क्या कहलाता था, सिक मैन ऑफ यूरोप, एंड दे सीज्ड देयर चांस टू एक्वायर मोर लैंड एट टर्कीज एक्सपेंस, एंड दे सून कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग तुर्किश टेरिटरी इन यूरोप। आगे चलकर ये भी जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन जो है बन जाता है, क्योंकि तुर्की को जो है यूरोपियन पार्ट में जो है डिवाइड कर लिया जाता है बाल्कन कंट्रीज द्वारा, राइट। नेक्स्ट,
सेकेंड बाल्कन वॉर्स होता है, सेम वही रीजन, बुल्गारियंस, बुल्गारिया जो एक कंट्री था, बट डिससैटिस्फाइड विद देयर गेन्स फ्रॉम द पीस सेटलमेंट एंड दे ब्लेम्ड सर्बिया. सर्बिया है, मोंटेनिग्रो है, बुल्गारिया है, इन्होंने जो टर्की को आपस में पीस सेटलमेंट करी थी, पीस जब टर्की पर अटैक कर दिया, तो बुल्गारियंस वो है वो डिससैटिस्फाइड थे, उनको मजा नहीं आया. तो यहाँ पर क्या था, दे हैड बीन होपिंग फॉर मैसिडोनिया, बट मोस्ट ऑफ इट हैड बीन गिवन टू सर्बिया. इनको क्या लगा, मैसिडोनिया जो कि टर्की का एक पार्ट था, कि वो हमें मिलेगा, लेकिन वो किसको मिला, वो सर्बिया को मिल गया. तो बुल्गारियंस जो थे वो नाराज हो गए, बुल्गारिया देयरफॉर अटैक्ड सर्बिया. इसलिए बुल्गारिया ने क्या किया, सर्बिया पर अटैक कर दिया, बट देयर प्लान मिसफायर्ड व्हेन ग्रीक, रोमानिया एंड टर्की रैली टू सपोर्ट सर्बिया. तो इधर से सर्बिया के सपोर्ट पे आ गए और जो है बुल्गारिया अकेला पड़ गया, जिसकी वजह से और भी ज्यादा दुश्मनी हो गई और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का यहाँ पर रीजन बना. ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा रीजन था. ठीक है, उसके बाद जो है जो कॉन्सिक्वेंसेस थे बाल्कन वॉर्स के, वो बहुत सीरियस थे. सर्बिया हैड बीन स्ट्रेंथेंड एंड वाज डिटरमाइंड टू स्टीयर अप ट्रबल अमंग द सर्ब्स एंड क्रोएट्स लिविंग इनसाइड ऑस्ट्रिया हंगरी. बहुत सारे ऐसे रीजंस हुए और इससे क्या हुआ, द जर्मन्स टू ग्रेज विलिंगनेस टू कॉपरेट एज अ साइन. तो यहाँ पर जर्मन फिर एंट्री करते हैं दैट, और एक साइन किया, कॉपरेशन साइन किया दैट ब्रिटेन वाज प्रिपेयर टू बी डिटैच्ड फ्रॉम फ्रांस एंड रशिया. तो यहाँ पर क्या किया कि इनकी जो है ब्रिटेन की, फ्रांस की और रशिया की जो है दोस्ती को तोड़ा जाए. तो यहाँ पर जर्मनी का जो है कुछ उद्देश्य समझ में नहीं आता. ठीक है, और जो एक बहुत इमीडिएट जो कारण था वो बनता है असैसिनेशन ऑफ ऑस्ट्रियन आर्कड्यूक फ्रेंड्स फर्डिनेंड. ठीक है, तो फ्रेंड्स फर्डिनेंड जो थे वो ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार थे. तो ये अपनी पत्नी के साथ बोस्निया की कैपिटल सराजेवा में विजिट करने आते हैं और इनकी हत्या कर दी जाती है यहाँ पर. ठीक है, सर्बियन टेररिस्ट इनकी हत्या कर देते हैं. ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, बहुत ही ट्रेजिक इवेंट होती है, इमीजिएट कॉज. ठीक है, एक इमीजिएट कॉज, जैसे 1857 की क्रांति के वैसे तो बहुत सारे रीजंस थे राइट, लेकिन जो मंगल पांडे वाला है वो इमीजिएट कॉज था. तो सेम ये भी एक इमीजिएट कॉज है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का राइट. दिस ट्रेजिक इवेंट जो सराजेवा यानी कि बोस्निया की कैपिटल में एक बहुत ही ट्रेजिक इवेंट होती है 28 जून 1914 को. ठीक है, वो जो है तात्कालिक कारण था. ऑस्ट्रिया हंगरी ने जब सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर किया था, तो इस तरीके से सारे देश जो है वॉर में इंक्लूड हो जाते हैं, इंटर्ज हो जाते हैं. ठीक है, जो बहुत जल्दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बदल गया था. तो दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर राइट. आर्कड्यूक नेफ्यू और जो है एम्परर फ्रेंड्स जोसेफ वाज स्पेन. तो ये क्या थे, अपनी वाइफ के साथ एक ऑफिशियल विजिट करने आते हैं सराजेवा यानी कि बोस्निया की राजधानी. ठीक है, जहां पर ये और इनकी पत्नी को सर्बिया के, ठीक है, सर्बिया के टेररिस्ट जो है गैब्रिपो प्रिंसिप, टेररिस्ट होता है सर्बिया का, वो उनको जो है गोली मार देता है, उनकी हत्या हो जाती है. एंड द ऑस्ट्रियंस ब्लेम्ड द सर्ब गवर्नमेंट एंड सेंट अ हार्श अल्टीमेटम राइट. तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बियन गवर्नमेंट को लेटर लिखे, चिट्ठियां लिखी कि आप जो है, इन्होंने आपके टेररिस्ट ने हमारे राजकुमार और हमारी महारानी की हत्या कर दी, आप इनके खिलाफ एक्शन लो या आप उन्हें हमें सौंपो. ठीक है, तो लीगल एक्शंस को लेने के लिए वहां पर बात की गई. अब सर्बिया घमंड में था, सर्बिया ने जो है कोई एक्शन नहीं लिया, तो ऑस्ट्रिया हंगरी यहाँ पे चुपचाप बैठ जाता है और सर्ब्स एक्सेप्टेड. तो सर्ब्स ने क्या किया, सर्बिया ने क्या किया, कुछ चीजें मांग ली, कुछ चीजें नहीं मांगी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ऑस्ट्रिया चुपचाप बैठा होता है. तो जर्मनी आता है, भाई तू चुपचाप क्यों बैठा है, मैं तेरे साथ हूँ. जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट दिया और जर्मनी का सपोर्ट पाकर ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर कर दिया. और 28 जुलाई को जो है वो दिन था जिस दिन ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर करा. फिर इधर से ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ कौन होते हैं, जर्मनी होता है, फिर सर्बिया के साथ रशिया आ जाता है. ठीक है, और इस तरीके से फिर रशिया जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर देता है. ठीक है, और फिर उधर से जो है
रशिया के साथ फ्रांस और ब्रिटेन आ जाते हैं, ये भी एक दूसरे के साथ, एक जर्मनी और रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, ये भी एक दूसरे पर वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। तो इस तरीके से ऑस्ट्रिया हंगरी ने जो सर्बिया पर 28 जुलाई 1914 को वॉर डिक्लेयर किया, तो सबने जो जैसे जैसे सपोर्ट में आते गए सबने एक दूसरे पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। दिस वॉज द स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो असैसिनेशन ऑफ फर्डिनेंड जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार थे, उसने जो है जो ऑलरेडी इतनी सारी ट्रस्ट डेफिसिट की, इतनी सारी चीजें ऑलरेडी यूरोप में बन रही थी आपस में और हर तरह का ईगो उनमें भरा पड़ा था, ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर हो जाती हैं, राइट। तो आई थिंक ये आज आपके लिए बहुत है इतना, ठीक है, तो कल से हम दूसरा चैप्टर करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।